शिवन, आज हम होमोग्राफ्स की सीरीज में पार्ट 4 देखेंगे। होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, जैसे यहाँ देखिए सभी स्पेलिंग एक ही है, लेकिन इनके अर्थ दो या दो से ज़्यादा भी निकलते हैं। तो आज की सीरीज में पहला वर्ड हम लेंगे ROSE, रोज। रोज स न पढ़े इसको, रोज। गुलाब, पहला मीनिंग है रोज का गुलाब। गुलाब का फूल होता है जिसे हम जानते हैं सभी, और इसी रोज की जो स्पेलिंग है इसका एक और मीनिंग होता है उगा। उगा मतलब उगना, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट हम बोलते हैं। तो राइज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सेम यही होती है जो गुलाब की होती है, ROSE, रोज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। अगला वर्ड है हमारे पास में पार्क, PARK, पार्क। पार्क का पहला मीनिंग होता है बगीचा, जहाँ बच्चे खेलते हैं बैठते हैं। और पार्क का इसी सेम स्पेलिंग का दूसरा मीनिंग होता है गाड़ी को साइड में लगाना, मतलब गाड़ी पार्क करना। एक मीनिंग एक स्पेलिंग है और मीनिंग दो है। आज का अगला वर्ड है हमारे पास में FINE, फाइन। FINE, फाइन। फिन ना पढ़े इसको, फाइन पढ़ेंगे। इसका पहला मीनिंग है ठीक या अच्छा, जैसे हम पूछते हैं हाउ आर यू तो जवाब देते हैं बहुत सारे लोग आई एम फाइन, तो ये फाइन सेम स्पेलिंग है इसका, ठीक या अच्छा। और एक और मीनिंग है इस फाइन का जुर्माना, या जुर्माना जिसको हम कहते हैं इसे फाइन लग गया, मैंने हेलमेट नहीं पहना तो मेरे फाइन लग गया। तो फाइन की एक स्पेलिंग है, मीनिंग दो है। नेक्स्ट हमारे पास का आज का वर्ड है कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। कैपिटल के तीन अर्थ हैं। पहला जो अर्थ है वो है राजधानी, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसी कैपिटल का एक और मीनिंग है पूंजी, कैपिटल। और इसी कैपिटल एक स्पेलिंग का एक और मीनिंग है कैपिटल लेटर, जैसे ABCD, ये बड़े कैपिटल हैं जो हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है G, तो मैं ये कैपिटल में लिख रही हूँ और ये है स्मॉल लेटर, तो ये वाला जो है इसको कहा जाता है इसको इस टाइप से कैपिटल लेटर। तो एक कैपिटल है और इसके तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगला मीनिंग हमारे पास में है FAST, फास्ट। फास्ट के दो मीनिंग है हमारे पास, तेज, जैसे ही रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। और इसी सेम स्पेलिंग का फास्ट का एक और मीनिंग है व्रत या उपवास, जो हम करते हैं व्रत या उपवास, फास्ट। आज का अगला वर्ड हमारे पास में है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट जैसे हम सब जानते हैं खेल का नाम है, क्रिकेट को हिंदी में भी क्रिकेट ही बोलेंगे, ये विदेशी भाषा का शब्द इस वजह से। और क्रिकेट का एक और अर्थ होता है एक प्रकार का कीट होता है, कीड़ा बोल सकते हैं हम, झिंगूर। अगला वर्ड है आज का बीट, इसकी स्पेलिंग याद करने की छोटी सी ट्रिक है, EAT, ईट होता है खाना, खाना, तो इसके आगे हम बी लगा दे तो बनेगा बीट। इसका पहला अर्थ है पीटना, जैसे मम्मी पीटती है बच्चों को या शिक्षक पीटते हैं बच्चों को या और भी कोई भी अर्थ हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। तो बीट का पहला अर्थ है पीटना, और बीट का ही दूसरा अर्थ है हराना, जैसे इंडिया बीट पाकिस्तान, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड, तो उस अर्थ में भी यूज किया जाता है हराने के अर्थ में। अगला वर्ड हमारे पास में है NOTE, नोट। नोट पहला वर्ड है, इसका मीनिंग नोट करना, जैसे लिखना नोट कर लो, ये प्रश्न नोट कर लो हम कहते हैं बहुत बार। और नोट का अगला मीनिंग है नोट, जैसे हमारे पास में 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 2000 रुपए का नोट है, तो नोट को भी हम कहेंगे NOTE, नोट। अगला मीनिंग हमारे पास में है वर्ड है मतलब MATCH, मैच। मैच का पहला मीनिंग है मिलाना, जैसे मैच द कॉलम, सही जोड़ी का मिलान करो तो मैच द कॉलम। और इसी मैच का एक और मीनिंग है मैच, जो क्रिकेट का फुटबॉल का होता है, कबड्डी का, अलग अलग प्रकार के जो खेलों का मैच होता है उसको भी हम सेम स्पेलिंग कहेंगे मैच। आज का लास्ट वर्ड है इस वीडियो का प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट बोले ना कि परसेंट बोले, बहुत सारे बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं इसको, प्रेजेंट, ज की आवाज आएगी प्रेजेंट। इसके तीन अर्थ निकलते हैं, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट का पहला अर्थ है उपहार, जैसे आपको कोई भी उपहार मिलता है प्रेजेंट, और तोहफा भी बोल सकते हैं हम।
प्रेजेंट का अगला मीनिंग है वर्तमान, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, या फिर उपस्थित होना, जैसे आज कौन कौन प्रेजेंट है क्लास के अंदर। और प्रेजेंट का तीसरा मीनिंग है प्रस्तुत करना, जैसे बहुत बार टीवी में जब फिल्म देखते हैं या कोई भी शो देखते हैं तो बोलते हैं प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो इस टाइप से इसका अर्थ होगा प्रस्तुत करना। आज हमने ये कुछ वर्ड्स देखे हैं जिनको हम कहेंगे होमोग्राफ्स, जिनके मीनिंग बहुत अलग अलग हैं लेकिन स्पेलिंग सेम है। ये शब्द बहुत परेशान करते हैं, इस वजह से हमने सीरीज में लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।